बात का जन आशीर्वाद, इस बात का कि 1 लाख बेरोजगार युवा इस देश प्रदेश में घूम रहा है, इस बात का कि वो बेरोजगार बेटे को पढ़ाने के लिए माँ बाप दिन रात एक करते हैं, इंदौर भेजते हैं, मुंबई भेजते हैं, भोपाल भेजते हैं, इधर राजस्थान के बड़े शहरों में कोटा वोटा ट्यूशन कराते हैं, और जब बेटा नौकरी धंधे व्यापार लायक बनता है, काम नहीं मिलता, फिर तड़प तड़प के वो परेशान होकर नशा में लग जाता है, और वो नशा करता हुआ बेटा जब घर आता है तो माँ बाप के आंसू भूलते रोते हैं या नहीं रोते? अरे रोते हैं, नहीं रोते हैं? तो 1 करोड़ बेरोजगारों का प्रदेश मेरा और जन आशीर्वाद इनको मिलना चाहिए क्या? आप ये बताओ, प्रदेश सबसे ज्यादा बड़ा कर्जदार प्रदेश हो गया, आप 4 लाख करोड़ के कर्ज में है, 53,000 रुपया पर व्यक्ति जो आज बच्चा पैदा हुआ, जो आज बुजुर्ग ऊपर ईश्वर के पास चला गया, सब पे 53,000 रुपए का कर्जा है। आप ये देखो कि इस 53,000 करोड़ रुपए के कर्ज का 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की सरकार लेती है, शिवराज जी लेते करते क्या है? लाडली बहना का प्रमोशन करते, लाडली बहना के लिए पांडाल सजाते, जो पांडाल सजता है वो 10 करोड़ रुपए उसमें खर्च होते हैं, फिर उसमें रैंप बनता है, फिर उसमें शिवराज जी ऐसे माइक लेके केट वॉक किया, कौन सा वॉक करते हैं? केट वॉक करते हैं, और फिर कहते हैं बहनों घबराना मत, तुम्हारा मामा अभी जिंदा है। मैंने 10 तारीख को 1,000 रुपया आपके खातों में डाल दिया और 11 तारीख को जो सिलेंडर लोगी 1100 वापस ले लिया, ऐसा ही है ना बहनों? चिंता मत करना, 10 तारीख को 1,000 रुपया आपके खातों में डालूंगा, और जो 300 400 500 रुपए का बिजली का बिल आता था वो 3,000 रुपए का घर पहुंचा दूंगा। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, राशन महंगा, खाने की खाने का जो किचन ऑयल है जिसको मीठा तेल बोलते हैं वो महंगा, रोजमर्रा की दवाइयां महंगी, और 1,000 रुपए महीना को वोट दे दो इसलिए चाहिए, इससे आगे बढ़ के 250 रुपए मेरी बहनों की राखी मंगवाऊंगा। मेरे को समझ में नहीं आयो बहन, 250 रुपए में दीदी कोई मिठाई आती है क्या? 1 किलो नहीं आती है ना, वो बिटिया मेरी तेरी है, 250 रुपए में मिठाई मामा नहीं आती। अरे यहां तक तो ठीक है बहनों, मैं चप्पल दिलवाऊंगा, ये कोई मुख्यमंत्री ऐसी बात करता है? बताओ आप, मुझे समझ नहीं आता है कि प्रदेश में हाहाकार है, एक करप्शन की पराकाष्ठा कैसी। मैंने अभी यहाँ के विधायक जी ने जिस तरीके से तांडव मचा, एक खानगी दिया, एक प्रदेश का मंत्री है जिसने 100 एकड़ जमीन दान में ले ली, किससे दान में ली? उनके ससुर से। कब ली? जब उनकी शादी के 40 साल हो गए तब। कैसे ली? उनके पास सिर्फ 50 एकड़ जमीन है, 3 भाई है, और उनके पास है 100 एकड़ एकदम शादी है, और फिर 100 एकड़ जमीन को दान में रहते, ऐसा प्रदेश का आशीर्वाद जन आशीर्वाद चाहिए उनको? कैसा जन आशीर्वाद चाहिए? ऐसा चाहिए कि एक मंत्री लगातार करप्शन के आरोप से डरता ही नहीं, 50-50 करोड़ रुपए में विधायक खरीदे बेचे, मंडी लगा दी, जन का जन प्रतिनिधि के सम्मान को आपने चूर चूर कर दिया, ऐसा 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 जन आशीर्वाद चाहिए आपको? कैसा जन आशीर्वाद चाहिए जिसमें नफरत हो, घृणा हो, लड़ाई हो, भाई भाई से लड़े और हमें तुम वोट दो, हम सरकार बनाए, ऐसा जन आशीर्वाद चाहिए? अरे ये देश राम का है, ये कृष्ण का, ये पैगंबर का, ये देश महावीर का, ये देश बाबा साहब अंबेडकर और गौतम बुद्ध का है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये देश उस दलित का है, उस परिवार के गरीब साथी का है, ये देश सबसे नीचे सबसे पीछे बैठे हुए का भी उतना ही अधिकार है जितना इस देश में सबसे पैसे वाला गौतम अडानी जो 1 घंटे में 1600 करोड़ रुपए कमाता है उसका है। इस बात का जन आशीर्वाद दें आपको कि गौतम अडानी 1 घंटे में 1600 करोड़ कमाए और मेरे परिवार के लोग 16 रुपए के लिए तराशा, मेरे किसान भाई 24 रुपए रोज कमाते हैं, 24 रुपए, 25 रुपए, 28 रुपए, और आत्महत्या में हम नंबर 1। किसानों में कर्ज सबसे ज्यादा कहीं है तो मध्य प्रदेश में, इस बात का जन आशीर्वाद है आपको, इस बात का जन आशीर्वाद की अभी
एक सूचकांक निकला भारत सरकार का कि सबसे पहले 5 राज्य गरीब कौन, तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों में आ गया। इस बात का जन आशीर्वाद चाहिए आपको, ये जन आशीर्वाद की बात है, जन आक्रोश की बात है। अरे ये बात है सब जन आशीर्वाद की है, जन आक्रोश की, तो यही जन आक्रोश है। आप सबकी ड्यूटी है, आप सबका एक एक परिवार के साथी का, घर घर जाकर जो लोग यहाँ आ गए हैं वो तो जन आक्रोश दर्शा रहे हैं, पर जो घर में बैठा है, जो बीमार है, जो घर से निकल नहीं पाता है, जो महंगाई की मार से पीड़ित है, दुखी है, जो गरीब आज जीना उसका दुर्भर हो गया है, वो भी जन आक्रोश है। उसको भी आप मेकअप करो, लाइन अप करो, उसके पास बिठा, उसको साथ में बुलाओ और फिर नई सरकार लाओ और वो कांग्रेस के हाथ के पंजे की सरकार हो। आप सब मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ बहुत थोड़े में कि इस बार कांग्रेस का यहाँ से विधायक बनाओगे कि नहीं, जरा हाथ ऊंचा करके बताओ। पीछे से हाथ ऊंचे नहीं हुए, फिर से एक बार मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, सब मिलकर कांग्रेस का विधायक बनाओगे या नहीं बनाओगे, हाथ ऊंचा करके बताओ। साथियों मैं जैसा मैंने कहा, मन से अच्छा लगने वाला है मनसा, और मैं इस पावन धरती पे आप सबको वचन देता हूँ, मेरा बहुत बहुत आत्मा से रिश्ता मैं आप लोगों से बनाना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार को, मेरे गांव को, बिजलपुर को, मेरी विधानसभा गांव को जितना महत्व देता हूँ उससे ज्यादा महत्व आप लोगों को मनसा को देना चाहता हूँ। आप कृपा करो, कृपा करो इस मध्य प्रदेश में, इस लोकतंत्र, इस देश के संविधान। इस बार बीजेपी का हारना इसलिए आवश्यक है कि देश का संविधान बचाना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने एक विधा दी कि सबका समान अधिकार हो और देश विश्व के शिखर पे हो, उस सम्मान को आप सबको बचाना है। मैं अनुरोध करता हूँ, लंबी यात्रा है, 11 बज जाएंगे रात, लंबी 5 बजे से मैं उठता हूँ और रोज चलता हूँ। मेरी हालत से भी पता चल रहा होगा कि सब परिवार के लोग खींच खींच के एकदम इधर से उधर उधर से हिला ठुला देते हैं, वो तो ठीक है, मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तो थोड़े टूटे टाटी नहीं हो रहा है, नहीं तो वो भी हो सकता है। मैं अनुरोध करूँ एक बार फिर से कि आप विधायक यहाँ बनाओ, आपको एक लोकल जीतू पटवारी उसके साथ मुफ्त में मिलेगा, बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। आदरणीय नाहटा जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय संघे भैया, आदरणीय हमारी महिला कांग्रेस की सारी बहनें, हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्ष, सारे मंडल अध्यक्ष, सारे यूथ कांग्रेस के साथी, सारे हमारे परिवार के सारे दावेदार, वो सबके नाम पार्षदगण, जो पार्षदगण है वो भी, और जो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जिनका मैंने नाम लिया वो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, पर जिनका मैंने नाम नहीं लिया वो मेरी दिल की गहराई होते हैं, उनके पास हूँ, दिल के पास हूँ मैं, वो परिवार के लोग आपके चरणों में नमन करता हूँ और आप सबसे वचन लेता हूँ कि यह आक्रोश मूर्त रूप लेना चाहिए और कांग्रेस के प्रदेश में सरकार बने, यहाँ से विधायक कांग्रेस का बनना चाहिए। भारत माता की जन आशीर्वाद यात्रा निकली और उसका पहला उदाहरण पहली लड़ाई हिंदुस्तान के इतिहास में, जब ये पूछा जाएगा कि जब जुल्म और सितम हो रहा था तुम कहां थे, तो मनासा विधानसभा और रामपुरा का नाम सबसे पहले आएगा, जहां किसानों ने, आम जनता ने हक की आवाज उठाई। साथियों, आज जन आक्रोश की कार्रवा को लेकर जीतू पटवारी जी आगे बढ़ रहे हैं। किसानों के गेहूं को समर्थन मूल्य की बात हो तो जीतू पटवारी जी लड़ाई लड़ते हैं। आज अगर युवाओं की रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, किसानों के अत्याचार की बात हो, और शर्म महसूस होती है कि मध्य प्रदेश में बलात्कार होते हैं, और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि लाडली बहना को 1,000 रुपए में दूंगा, क्या ये मध्य प्रदेश की बहनों की इज्जत को इतना सस्ता समझते हैं कि ये सोचते हैं कि बहने 1,000 में इन्हें वोट दे देंगी तो कभी नहीं देंगी। ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो बहनों की बिंदी और सुहागन जो है जो वो भी वो बिक जाएगा। मैं शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहती हूँ कि आप लाडली बहना की बात करते हो, जब कोरोना में लाडली बहना इस संकट में थी, आपने सिलेंडर 1150 में दिया, और आज जब आप संकट में है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार संकट में है, तो सिलेंडर 450 रुपए देने की बात करते हैं।
जब मौलवी की बात आती है तो कहते हैं कि सर्वे करवाया जाएगा, और उस वक्त पटवारी के दफ्तर में ताला लगा होता है, हमारा किसान मंडियों में भटकता रह जाता है। इस बात का ये आक्रोश है। मध्य प्रदेश में 65,000 बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है, इस बात का आक्रोश है। मध्य प्रदेश में महंगाई आसमान छू रही है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि हम जिसको सुनना चाहते हैं जीतू पटवारी जी को आवाज देकर बुलाएंगे दोनों हाथ उठाकर। ये चंद सैलाब कह रहा है कि मना साहब जीत रहे हैं, और जिन 27,000 गायों का खर्च छीनने का काम ये सरकार कर रही है, एक बार जन आक्रोश दिखाने के लिए पीछे तक हाथ उठा लीजिए, पीछे तक हाथ उठाइए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तख्त बदल दो, तख्त बदल दो, बिजली पानी दे न सके जो सरकार ने